तपस्या द्वापर युग त्रेता युग में था, यज्ञ द्वापर युग में था, पूजा अर्चना और कलयुग का युग धर्म है कलोत्तर हरि हरि नाम से। तो कलयुग में जो योग धर्म की स्थापना करने के लिए कौन आते हैं? चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके बारे में वर्णन आता है। कृष्ण वर्णन तुषा कृष्ण सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तना पराय यजति सोमेज सा। हरिनाम संकीर्तन में कौन सहभाग लेता है, कौन स्वीकार करता है उनका आंदोलन? सुमेधसा, मेधा मतलब बुद्धि, सु मतलब जो कुशाग्र बुद्धि, जो कुशाग्र बुद्धि वाले लोग वो क्या करते हैं, भगवान का हरिनाम लेते हैं, क्योंकि कलियुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम। तो उस हरिनाम की स्थापना करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कलकत्ता बंगाल में वह नवद्वीप करके एक जगह है वहां पे अवतीर्ण हुए थे। तब चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा कर रहे थे तो श्री रंगम में गए थे, जो श्री संप्रदाय की कुछ मंदिर है उसमें वो आता है श्री रंगम। वहां पे वेंकट भट्ट गोस्वामी थे, उनके वहां पे वो 4 मास रुके थे, चातुर्मास के 4 मास आषाढ़ से कार्तिक तक। तो उनके जो पुत्र थे 8-10 साल के पुत्र थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो उनका हमें बाहर एक छोटी सी समाधि दिखी, वो भगवान की सेवा में रत रहते थे, जो भी चाहे आगे जो जो करना है वो करते रहते थे। तो भगवान से इतने आसक्त हो गए वो कि अभी उनको कुछ प्रिय नहीं लग रहा था। जब चैतन्य महाप्रभु के 4 मास पूर्ण हुए, 4 महीना क्या करते थे, कथा कीर्तन यही चलता रहता था वहां पर। जब चैतन्य महाप्रभु वहां से निकले तो उनके पीछे वो भी निकल पड़े, तो मुझे भी आपके साथ आना है। तो कहते नहीं विकट, आपको अभी इधर ही रुकना है, एक समय आएगा तब आपको वृंदावन जाना है, वो समय आएगा तब तक आप घर पे रुकना है। और आपके जो काका है प्रबोधानंद सरस्वती, वो संस्कृत के स्कॉलर थे, उनसे आप शिक्षा ग्रहण करिए, संस्कृत सीखो, शास्त्र अध्ययन करो। तो 12 साल के होते हैं जब गोपाल भट्ट गोस्वामी तब जगत विख्यात हो जाते हैं उस टाइम में, इतने वो होशियार थे वो। और जब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कुछ साल पहले मैं रंगम में गया था, वहां के वेंकट भट्ट के बेटे थे, उनको कहा था कि आप वृंदावन में चले जाना कुछ साल के बाद, तो अभी चले गए कि वहां पे अभी उनका 30-30 उम्र हो गया था कुछ। तो वो जाते समय कैसे गए थे, नवद्वीप गए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आकर रुके थे, तो उन्होंने भक्तों को बचा कहा है। तो जब वो निकले थे गोपाल भट्ट गोस्वामी तो नवद्वीप गए, नवद्वीप में जाकर कहा कि किनको मिले, नित्यानंद प्रभु को। जब भगवान अवतीर्ण होते तो उनके जो भक्त है वो भी अवतीर्ण होते, उसमें जो बलराम जी है वो भी अवतीर्ण होते, जब प्रोग्राम चल रहा था तो कौन आते, लक्ष्मण के रूप में बलराम जी आते। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु आते तो नित्यानंद प्रभु के रूप में आ जाते हैं, जो 500 साल में जो एक चक्र धाम धाम करके बांग्लादेश में अभी जगह है वहां पे अवतीर्ण होते हैं। फिर उनको मिलते हैं नवद्वीप में, नवद्वीप में वो पूरा चैतन्य महाप्रभु का बचपन का जितना भी लीला हुआ था उनको वो नवद्वीप की परिक्रमा कराते हैं, और उनको बोलते हैं आप काशी में जाओ, वहां पे अध्ययन आपका आगे का प्रारंभ करो। काशी में भी वो इतने विख्यात थे कि सब लोग उनको जानते हैं कि गोपाल भट्ट कौन है करके। फिर उसके बाद वो वृंदावन में चले जाते हैं, वृंदावन में जाके जो गोस्वामी पहले गए थे उनके साथ में रहते नम्रता से सेवा करते थे, कभी दिखा दे भी नहीं कि इतने बड़े वो स्कॉलर है। तो लेकिन उनकी तीव्र इच्छा थी किसको मिलने की, चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला था मैं वृंदावन में मिलूंगा करके आपको, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो मिले नहीं, तो जगन्नाथपुरी में रुके थे। इच्छा होके बाद भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आगे थे आप वृंदावन में ही रहना। फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु के सपने बोलते कि आप नेपाल में आओ, गंडकी नदी वहां पे मैं आपको मिलूंगा। जब नेपाल में जाते हैं गंडकी नदी में यहाँ पे शालीग्राम मिलते हैं, उस शालीग्राम के ऊपर शंकर चक्र गदा पद्म के चिन्ह रहते, वो कोई बनाता नहीं, वज्र नाम का कीर्ति रहे, वो खुद स्वयं उसके ऊपर वो शंकर चक्र गदा पद्म की निर्मित करते रहते हैं। तो उस रिवर में वो स्नान करने के बाद जब अपने कमंडल में पानी भर रहे थे गंडकी नदी का, तो खुद शालीग्राम उनके कमंडल में प्रवेश करते हैं, तो पुनः छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी परमिशन नहीं है, तो भगवान को कैसे लेके जाएंगे, छोड़ देते हैं। 5-6 बार यही प्रकार हो रहा था, इसी तरह चल रहा था, वो छोड़ रहे थे। फिर जो शालीग्राम उनके कमंडल में आ रहे थे, फिर आकाशवाणी होती थी गोपाल भट्ट आपकी इच्छा थी ना दर्शन देने की, मैं स्वयं भगवान हूँ आपको दर्शन किसी रूप में दे रहा हूँ। तो फिर वो उनको लेके आते हैं और वृंदावन में वो उनकी पूजा अर्चना करते रहते। एक दिन वृंदावन में एक व्यापारी आए थे बड़े, सब जिनको भी कुछ चाहिए वो दान धर्म कर रहे थे। तो जो सन्यासी गोस्वामी लोग
कोई बांसुरी लेते, कोई नृपुर ले लेते, कोई भगवान के वस्त्र ले लेते। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे वो देख रहे थे कि मेरे पास तो शालिग्राम है, उनको ना मैं बांसुरी लगा सकता हूँ, ना नृपुर पहना सकता हूँ, ना वस्त्र पहना सकता हूँ, उनका श्रृंगार कैसे करूंगा मैं। जैसा स्वरूप गोस्वामी है उनके पास जी गोविंद देव जी है, सनातन गोस्वामी जी के पास मदन मोहन देव जी है, और मधु पंडित जी के पास गोपीनाथ जी है, मेरे पास तो शालिग्राम है, मैं कैसे उनकी विग्रह करूंगा, पूजा अर्चना कैसे करूंगा। पर वो दिन था नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, और उसी दिन वो प्रहलाद महाराज की कथा पढ़ रहे थे। तो पढ़ते नरसिंह देव कैसे प्रकट हो गए थे प्रहलाद महाराज जी के लिए, कमे से प्रकट हो गए थे। हिरण्यकश्यप पूछ रहा था यहाँ पे है क्या, भगवान आ गया, यहाँ पे हूँ मैं, खंभा फोड़ के आते। तो उनके मन में एक विचार आके गया, जैसे प्रहलाद के लिए भगवान प्रकट हो गए खंभे में से, वैसे मेरे लिए इस शालिग्राम से प्रकट होते। तो उसी चिंता में रात को सो जाते हैं, फिर सुबह देखते हैं भगवान को जब रात में सुला देते, ऊपर कपड़ा वगैरह रखते हैं, सुबह देखते हैं वस्त्र की हाइट बढ़ गई। सुबह जाते हैं यमुना में स्नान करते हैं जल्दी जल्दी और आते हैं, बोल के देखते हैं तो उसी शालिग्राम से कौन प्रकट हो गए थे, राधा रमन भगवान। बोलो राधा रमन भगवान की जय। ये विग्रह है किसी ने बनाया नहीं, आज तक ये वृंदावन में सब विग्रह जो बड़े बड़े विग्रह है वो वृंदावन में नहीं है, सब जयपुर में चले गए, लेकिन ये राधा रमन जो है वृंदावन में है। तो इनके अभी तीन विग्रहों का उन्होंने स्मरण किया था, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और मधु पंडित, इनके पास जो विग्रह है राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, इनका स्मरण किया था। तो इनके जो चरण कमल है मदन मोहन देव जी के जैसे, उनका वक्षस्थल जो है वो गोपीनाथ जी के जैसे है, और उनका मुख कमल जो है गोविंद देव जी के जैसे। और अभी 578 साल हो गए, 400 अब तक इनका एक भी श्रृंगार या भोग मिस नहीं हुआ है राधा रमन जी का। और इनकी एक विशेषता, इनको रोज 17, 18, 20 ऐसे रोज वस्त्र आते कपड़े पहनाने के लिए, भारत भर से विदेशों में भी कुछ अभी जो भारत के भक्त गए हैं वो भेजते रहते हैं। तो इसमें से कौन सा वस्त्र पहनाएंगे राधा रमन को, बहुत सारे वस्त्र आते हैं कैसा चुनेंगे, तो राधा रमन जी खुद चुनते हैं मुझे कौन सा वस्त्र पहनना है। पुजारी क्या करते हैं, हर एक वस्त्र दिखा दे भगवान को, जो भगवान को पसंद आएगा भगवान पहनेंगे। तो पसंद आएंगे क्या करेंगे भगवान, जब भगवान को उसमें से वस्त्र पसंद आते तो भगवान अपने आगे के दो दांत दिखाते हैं आज भी, उसके बाद वो वस्त्र भगवान को परिधान किए जाते हैं। तो कुछ कुछ फोटो ऐसे आपको मिलेगी जिसमें वो राधा रमन जी के दांत दिखाए हैं। और एक बार एक बूढ़ी महिला आई थी भगवान को वस्त्र लेके, वो कॉटन के सूती कपड़े थे एकदम सिंपल थे। तो उन्होंने पुजारी को कहा ये कपड़े भगवान को दीजिए, वो पुजारी बोलते माँ जी भगवान के तो रेशम के वस्त्र अच्छे अच्छे वस्त्र आते हैं, तो भगवान पहनेंगे क्या, जो भी आप दिखा तो देना। पुजारी बोलते ठीक है हम दिखा देंगे। तो उस दिन पुजारी ने सब वस्त्र दिखाए लेकिन भगवान पसंद ही नहीं कर रहे थे। तो क्या हो गया, भगवान क्यों नहीं पसंद कर रहे। फिर उनको याद एक माता जी ने कपड़े दिए वस्त्र कॉटन के, वो दिखा देते, फिर भगवान को दिखा देते, भगवान तब दांत दिखाते, तो भगवान को पसंद आ गए। इनकी हाइट जो है 12 उंगली कितनी है, देखो इसके ऊपर 4 उंगली इतनी हाइट है उनकी राधा रमन जी। लेकिन इतने सुंदर विग्रह है, कभी कभी जब उत्सव रहता है या अभिषेक रहता है तब उनको थोड़ा बाहर निकाल देते, तो नजदीक से दर्शन होता है, रोज दर्शन खुला रहता है वहाँ पे राधा रमन मंदिर में जाएंगे तो, वंशीवट के पीछे ही मंदिर है। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, बोलिए राधा रमन भगवान की जय।
घर है जहाँ पे वृंदावन है, उस जगह का नाम क्या है? बरसाना। क्योंकि राधा रानी क्या करते हैं? कृपा बरसाते हैं ना, इसलिए बरसाना। राधा रानी का जिस जगह पे जन्म हुआ उस गांव का नाम क्या है? रावल। रावल गोकुल है ना, महावन में आता है, उसी में आगे एक रावल गांव है जहाँ पे राधा रानी का जन्म हो गया था। सहस्त्र दल का एक कमल है, उसमें यमुना नदी में वहां पे राधा रानी प्रकट हो गई थी। उनकी बॉडी जो थी चैतन्य महाप्रभु जन तप्त कांचन, इसलिए राधा रानी को बोले तप्त कांचन गौरांगे, मतलब सुवर्ण वर्ण के उनके जो उबाला हुआ सोना रहता है एकदम चमकीला, उस तरह के राधा रानी का वर्ण है शरीर वर्ण। अलग बात बता दूं खरे आप बोल रहे, हम लोग जहाँ रहते ना जो बिल्डिंग में, हम तो कहते कि हमारे ठाकुर जी का ही घर है, तो हमारी बिल्डिंग का नाम है कांचन गौरी। तो हमारे गुरुदेव जब पधारते हैं ना माता जी हमारे, तो वो हमेशा कहते कि मुझे लगता है कि मैं स्वामिनी जी की निकुंज में ही आ गई, कांचन गौरी तुम्हारी बिल्डिंग है ना, तो ये कांचन गौर वर्णी श्री स्वामिनी जी स्वरूप में वही आ गए। फिर राधा रानी का जिस विवाह होने के जिस गाँव में जाती है उस गाँव का नाम है जावट। तो ये जो है ब्रह्मा जी के सर के ऊपर एक गांव है बरसाना। जैसे एक बार तो भगवान रोज श्रीमद भागवत में वर्णन होते हैं, जैसे कि हमारे भागवत जो भागवत महापुराण है हमारे पास जो अभी इस धरातल पे, उसमें कितने लीलाओं का वर्णन है भगवान के दशम स्कंद में? सिर्फ 90 लीलाओं का। लेकिन आचार्यगण बोलते हैं कि रोज भगवान एक असुर को वध करते थे। भगवान कितने समय का क्या हो जाता है? स्त्री बन जाते, कंसारी दासी हो जाती है कंस की। तो सब लोग क्या करते थे उससे? अपने अपना काम करवाते थे, गोबर लगाना, गोबर उठाना, और कुछ लोग गोबर फेंकते रहते थे। कंस का एक महीना पूरा हाल हो गया था ही। तो कंस बहुत पछता रहा था, अरे मैं इतना बड़ा असुर हूँ, इतना बड़ा क्षत्रिय हो, इतना बड़ा राजा हो, और मेरी यह हालत हो गई है, कैसे करके तू मुझे राधा रानी से मिला दो, मैं माफी मांगता हूँ, वापस इस बरसाना में नहीं आऊंगा तुम्हारे, मुझे माफ करना। जब राधा रानी के सामने जाके वो गिड़गिड़ाता है कि मुझे बख्श दो, बचा दो आप, मैं वापस नहीं आऊंगा। फिर राधा रानी उसको क्षमा करती है। उसके बाद कभी कंस ने हिम्मत नहीं की कि बरसाना में जाएगा, क्योंकि राधा रानी कौन है? वृंदावनेश्वरी है, वृंदावन की रानी है राधा रानी। तो भगवान ये अगासुर लीला की कथा है, हमने देखा वहां पे कुछ गोपाल अगासुर के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। अगासुर की जो लंबाई थी 8 योजन थी, इतना बड़ा था कि उसका मुख ऊपर वाला मुख जो बादलों को स्पर्श कर रहा था और नीचे जमीन पे था, और उसकी जो जिह्वा थी एक राजमार्ग की तरह हाईवे की तरह थी। तो गोपाल एक दिन देखते कि अचानक से गुफा, वृंदावन में इतनी बड़ी गुफा आई कहाँ से? सब लोग खुश हो जाते कि तो डरते नहीं थे भगवान साथ में कृष्ण, तो क्या डरने का। तो जो राजमार्ग की जरा जो जीवा थी वो गादी की तरह नरम भी थी, तो उसके ऊपर डांस करते करते उसके अंदर मुंह में प्रवेश करते हैं और चलते देखते गुफा में क्या है। और भगवान सोच ही रहे थे कि इस असुर का कैसे वध करो, तब तक सब गोपाल प्रवेश कर देते हैं। भगवान को एक्चुअली उनको रुकाना था, लेकिन वो रुकाने के पहले ही अंदर चले गए, तो क्या करे? तो भगवान फिर उनके पीछे दौड़ दौड़ के जाके उसके मुंह में प्रवेश करते हैं, और वो भी उनकी राह दिख रहा था। अगासुर बकासुर पुतना तुरनावर्दी सब कौन थे? भाई बहन थे। और पुतना का वध किया था, इसके बदला लेने के लिए कौन आया था? अगासुर। तो भगवान उसके मुंह में जैसे प्रवेश करते हो क्या करते है? अपना मुंह बंद करते हैं। भगवान ने इसको मारने के पहले जितने भी असुर मारे तो अपना शरीर का जो ऊंचाई कभी बढ़ाई नहीं थी, विस्तारित नहीं की थी। इसको मारने के लिए भगवान ने क्या किया था? अपना शरीर का बढ़ाया था, शरीर बड़ा कर दिया था। उसके गले में कंठ में जाके भगवान रुके और विस्तार किया। उसकी वजह से क्या हो गया? उसका सांस लेना बंद हो गया। सांस लेना बंद हो गया तो वो तड़प रहा था सांस लेने के लिए। फिर उसके आंखें जो बाहर निकलते थे अंदर आते थे, बाहर निकलते थे अंदर आते थे, फिर उसका मस्तक फूट के उसमें प्राण जो थे बाहर निकले। तो वो कौन था? गंधर्व था एक पूर्व जन्म में, और एक अष्टवक्र मुनि, उनका नाम सुना होगा हमने, जो 8 जगह पे टेढ़े थे। उनको देख के वो हमेशा चिढ़ाता रहता था, ये अष्टवक्र मुनि 8 जगह पे जिनको शरीर खराब है, टेढ़ा है। तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि आप क्या देख रहे हो? आकृति देख रहे हो, कृति नहीं देख रहे हो, इसलिए आप सर्प बनो, आपको त्वचा रोग है। तो वो सर्प बनते हैं। तो वो उनको उपशाप मांगते कि मुझे इससे बाहर निकलने के लिए कुछ वरदान दो, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ करो। तो ऋषि बोलते ठीक है, जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक आपका उद्धार कोई नहीं करेगा। तो भगवान के हाथ से उनका
डर हो जाते हैं, वो गंधर्व आके प्रार्थना करते हैं, फिर उनको प्रदक्षिणा करके गंधर्व लोग चले जाते हैं। फिर जितने भी गोपाल जो मृतवत होके गिरे थे उनको भगवान अमृतमय दृष्टि से पुनः जीवित करते हैं। तो अकासुर को मार दिया तो सब देवी देवता प्रसन्न होते हैं, और ये जो बात है ब्रह्मा जी को पता होती है कि वृंदावन में एक छोटे बच्चे ने क्या कर दिया है, अकासुर का वध कर दिया। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होते हैं कि इतने सारे बड़े बड़े देवता जिससे डरते थे, वृंदावन का एक ग्वाल बाल उसको कैसे मार सकते हैं। वो खुद देखने के लिए आते, कौन है वो देखने के लिए आते थे, एक छोटा बच्चा है, सब ग्वालों के बीच में बैठा है और उनके झूठा खा रहा है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान थोड़ी ना झूठा खाते हैं, उनके लिए तो इतना पूजा अर्चना इतना बड़ा बड़ा विधि होता है, ऐसे भोग लगाए जाते हैं, 56 भोग खाते हैं, और ये तो दूसरे के मुंह से मार के छाछ पी रहे हैं, ये भगवान कैसे है। उनकी परीक्षा लेने क्या करते हैं, उनके जितने भी जो पछड़े थे गैया उनके, उनको क्या करते हैं वहां से उठा लेते हैं ब्रह्मा जी। और फिर गोपाल देखते कि कान्हा आपने जो बछड़े थे वो दिखाई नहीं दे रहे, तो बोलते आप बैठिए मैं जाके आता हूँ देखता हूँ कहाँ पे। तो कट रहा है मतलब वो दही और भात उनके हाथ में ही था, वो लेके देखने के लिए जाते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। फिर से वापस आते देखते तो गोपाल भी नहीं है, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं गोपाल उनको भी वहां से उठा लेते। तो भगवान जान जाते कि हाँ ये ब्रह्मा जी का खेल है, लेकिन उनको पता नहीं मैं उनका भी बाप हूँ। तो भगवान खुद स्वयं का विस्तार करते हैं उस गोपालों के रूप में और वो बछड़ों के रूप में। अब एक साल भगवान क्या खा रहे थे बछड़ों के रूप में, वृंदावन में वृंदावन की घास खा रहे थे। इसलिए वो बहुत बड़े बड़े साधु संत ऋषि क्या बनना चाहते वृंदावन में, मैं कहीं धूलिकण बनो कि घास बनो कुछ लता बनो पेड़ बनो, भगवान घास खा रहे थे। और जितने भी गोपाल थे तो अभी गोपालों की जितनी भी जो माँ थी उनकी क्या इच्छा थी, जैसे यशोदा का पुत्र कृष्ण हमारे भी पुत्र होने थे तो उनकी इच्छा भी पूर्ण करते हैं भगवान। तो सब वो जो व्रजवासी जिनका अभी कृष्ण के प्रति जितना प्रेम था उतना ही प्रेम किसके प्रति हो गया, अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि भगवान स्वयं उनके बच्चे बन गए हैं। वो गैयाओं की इच्छा थी कि हमारा दूध जो है कौन पिए, कृष्ण पिए, उनकी इच्छा भी पूर्ण करते हैं क्योंकि वत्स बने थे छोटे छोटे, तो उनका भी स्तनपान कर रहे थे। एक साल तक वृंदावन में ये पता ही नहीं था कि अकासुर का वध हो गया है। तो परीक्षित महाराज पूछते सुखदेव को एक साल क्यों क्यों पता नहीं हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक से पृथ्वी पे आके जाने के लिए कितना साल लगता है, एक साल लगता है, उनका एक सेकंड है एक क्षण है लेकिन हमारा एक साल है, तो हमारे जैसे कितने जो उनके दो दो सेकंड में चार चार सेकंड में आके जाते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी आके देखते हैं कि पृथ्वी पर क्या चल रहा है, वहां पे गोकुल में देखने के लिए आते हैं, तो देखते वत्स भी वैसे है और बछड़े भी वैसे है, गोपाल भी वैसे है। फिर वो अपने ब्रह्मलोक में देखते हैं जिन्होंने जिनको छुपाया था वो भी वैसे है, फिर वो भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए वो ब्रह्म विमोहन लीला है। तो ब्रह्मा जी समझ जाते कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, फिर भगवान से आके माफी मांगते कि भगवान मुझे माफ करो, आपके वृंदावन में कहा तो मुझे एक जगह दे दो जिधर मैं धूलिकण बन के या घास बन के पेड़ बन के रह जाऊंगा। तो भगवान बोलते ठीक है आप एक पर्वत बनो, और जिसके ऊपर जो है ये बरसाना धाम है, तो वहां पे चार उनके चार सिर है ना ब्रह्मा जी के, तो चार मंदिर है, ये भानगढ़ इसको बोलते हैं, भानगढ़ बोलते हैं या फिर लाडली जी मंदिर भी बोलते हैं, राधा रानी का मंदिर भी बोलते हैं, दानगढ़ भानगढ़ विलासगढ़ और कुशल बिहारी मंदिर है, ऐसे चार है। और मोर कुटीर है तो नीचे एक मोर कुटीर करके जगह है, फिर आगे उसके आगे मान मंदिर है, उनकी लीला मान मंदिर में खाली नीचे दर्शन करके मान मंदिर में निकलेंगे। चलिए हरे कृष्ण।
देवगढ़, भानगढ़, मानगढ़ और विलासगढ़, ऐसे चार गढ़ है बरसाना के ऊपर। मतलब भगवान श्री कृष्ण के अष्ट सखिया है ना, उनके दो ग्रुप है अलग अलग। राधा रानी का अष्ट सखिया, उनका ग्रुप अलग है, और एक चंद्रावली है, उनका ग्रुप अलग है। तो अष्ट सखी में राधा रानी की कौन आती है? ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, रंगदेवी, तुंग विद्या, भद्रा, ऐसे सब आठ गोपियां आती है। वैसे चंद्रावली की भी अलग आठ गोपियां है। तो एक बार भगवान राधा रानी को कहते हैं कि आपका मुख कमल जो है वो चंद्र के जैसा है, तो राधा रानी क्रोधित हो जाती है। तो लीला है, मान मंदिर की वही लीला हो गई थी, वो अलग रस में, माधुरी रस में। तो बोलते कि आपने मेरी जो बराबरी चंद्र से की है, चंद्र के जैसा है, और आपने चंद्रावली का नाम भी चंद्र जैसा है, मतलब उससे मेरी बराबरी कर रही हो, उसकी उपमा दे दी। तो राधा रानी बोलते मैं ऐसे आपसे बात नहीं करूंगी। तो वो चली जाती है, इस जगह पे आते मान मंदिर। तो सब गोपियां समझाती है, ललिता भी समझाती है, राधा रानी तो सुनती नहीं। ललिता तो राधा रानी से बड़ी है 28 डेज, तो राधा रानी उनका भी नहीं सुनती। बोलते मैं कृष्ण से बात नहीं करूंगी, मुझे चंद्रावली के जैसे बताते हैं कि वो चंद्र के जैसे है, इसलिए वो इनडायरेक्टली चंद्रावली की स्तुति करना चाहते हैं। तो राधा रानी ने मान धरा था। तो भगवान आते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुनती नहीं, फिर वहां से चले जाते हैं। तो वो जगह है मोर कुटीर करके, और वो मोर के रूप में भगवान वहां पे नृत्य करना प्रारंभ करते हैं। तो बहुत देर से नृत्य करते रहते हैं, फिर वो ललिता सखी देखती है कि वहां पे मोर जो है नाच रहा है। तो ललिता सखी बोलते है कि राधा रानी उस कोने में देखी है कि एक मोर नृत्य कर रहा है, बहुत सुंदर नृत्य कर रहा है। राधा रानी बोलते हाँ, लेकिन वो देख नहीं रही थी। तो बोलते अभी आपको कृष्ण ने जनरल जैसे बोला, लेकिन उस मोर का क्या है, उसको तो आप देख सकते हैं ना, उसको क्यों नहीं देख रहे, उसका और इससे कोई संबंध नहीं है। तो राधा रानी देखते है तो हाँ, एक बहुत सुंदर नृत्य चल रहा है मोर का। राधा रानी चली जाती है, सब सखियां भी चली जाती है वो देखने के लिए। तब तक उन्होंने पहचान नहीं कि कृष्ण है। तो कृष्ण तो मोर के रूप में नाचते रहते हैं, और राधा रानी भी उनको देख के इतने खुश हो जाती कि राधा रानी भी नाचना प्रारंभ करते हैं। तो दोनों नाचते नाचते जब ने आपने दर्शन लिया सामने, तो कैसे खड़े हो, खड़े कैसे, मोर के जैसे, लेकिन दोनों के हाथ कैसे है, राधा रानी का हाथ ऊपर से है और भगवान श्री कृष्ण का इस तरफ से। तो नाचते नाचते भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, ऐसे खड़े रह जाते हैं। फिर राधा रानी भी उस तरफ से ऐसे खड़े रहते हैं, और कोने से तिरछे से देखते तो कृष्ण है घर के। तो अब तो क्या, जो मान धरा था वो मान टूट गया, अभी हो गया बराबर। ऐसी लीला है, ऐसे बहुत सारे अंतरंग लीला है। अभी हम जाएंगे राधा गोविंद देव, और वहां पे गोपीनाथ और गोविंद जी के बारे में सुनने के बाद मदन मोहन चले जाएंगे, उसके बाद महाप्रसाद है गोविंद जी।
कुछ तो है नीचे, तो फिर वहां पे जाके देखते तो वहां पे उनको विग्रह प्राप्त होते बाहर में, वो है राधा गोपीनाथ जी। फिर हम अभी जिस मंदिर में गए थे राधा गोविंद जी, जहाँ पे पूजा अर्चना करते थे सनातन गोस्वामी के छोटे भाई रघुनाथ दास रूप गोस्वामी जी, जिसको रूपानु गए मतलब चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग शिष्य थे, उनके अलग अलग शाखाएं निकली, सनातन गोस्वामी जी की, रूप गोस्वामी जी के, रघुनाथ गोस्वामी, मधु पंडित, तो रूप गोस्वामी जी की शाखा निकली, उनमें आते हैं इसको संप्रदाय में आता है, तो उनके शिष्य थे उसमें आते जो गौरमोहन डे मतलब भक्ति विनोद ठाकुर, उनके शिष्य के बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर उनके शिष्य थे प्रभुपाल, फिर इन्होंने इसको उनकी स्थापना की। तो राधा गोविंद देव जी की विग्रह किनको धरने के लिए कहा थे, सनातन रूप गोस्वामी जी को, और इनको विग्रह इनको भी प्राप्त नहीं हो रहे थे, उन्होंने भी ऊपर नाम छान मारा था। तो एक दिन यमुना के किनारे में बैठ के वो रो रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने एक सेवा ली है और वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, एक छोटा बाल बनाता है, अरे बाबा जी आप जो कुछ ढूंढ रहे हैं, आप इतना दुखी क्यों है, कुछ तो ढूंढ रहे लग रहे आप, तो बोलते हाँ चैतन्य महाप्रभु ने मुझे गोविंद देव जी को ढूंढने के लिए कहा है और वो नहीं मिल रहे, तो बच्चा कहता कि गोमय टीला के पास जाओ, वहां पे रोज एक गाय आती है सुबह, वहां पे कुछ दूध दे के चली जाती है, उसका दूध कोई निकलता नहीं, अपने आप दूध निकल के वो छोड़ के चली जाती है। तो सनातन गोस्वामी आके एक दिन जल्दी आके देखते कि हाँ चल रहा है इधर कुछ, तो फिर वो समझते कि शायद इसके नीचे कुछ होना चाहिए, फिर उधर वो उत्खनन करते हैं, तो वहां पे मिलते हैं राधा गोविंद देव जी, रूप गोस्वामी फिर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और उनके बाद जो रघुनाथ दास गोस्वामी उनके विग्रह को देखभाल करते हैं। तो इस मंदिर का काम जो है 500 साल पहले हो गया था राधा गोविंद देव जी, जब लाल किले का काम चल रहा था आगरा में, तब जब राजस्थान से जो स्टोन आते थे उसके जो राजा भारमाल वगैरह थे उन्होंने वृंदावन में बहुत मदद की थी, तो राजपूत का जो राजपूतानी घरों का जो राज सिंहासन माना जाता था इस मंदिर को राधा गोविंद देव मंदिर, तो वो 7 मंदिर का मंदिर उस समय बनाया था 500 साल पहले। तो वहां से वृंदावन से आगरा कितना कितना दूर है, 61 किलोमीटर, तो उसके ऊपर जो दिया लगाया जाता था तो उसका जो प्रकाश है आगरा तक दिखता था रात में, तो अकबर ने भी इस मंदिर के लिए बहुत सारी मदद की थी, 250 बीघा जमीन अकबर ने दी थी राधा गोविंद देव मंदिर के लिए। तो उसके बाद जब राजा आ गए 2-3 पीढ़ी के बाद औरंगजेब, जब शिवाजी महाराज उधर से उनके बंदी ग्रह से भाग गए थे, तो उन्होंने सब मंदिर तोड़ना चालू कर दिया था औरंगजेब ने, तो कुछ मुगलों को यहाँ पे भी भेजा था मंदिर, तो वहां पे जो पूजारी थे उन्होंने क्या कर दिया, वृंदावन के जितने भी बड़े बड़े विग्रह थे उनको लेके वो पूजारी लोग वहां से निकल गए, गोविंद देव जी को लिया, राधा गोपीनाथ जी को लिया और राधा मदन मोहन जी को, इनको लेके कुछ कामे वाले गए वहां से फिर जयपुर में गए, जयपुर में ये सब विग्रह उधर रहते थे, फिर वहां से मदन मोहन जी और भी करौली में रहते हैं, तो गोविंद देव जी को लेके गए, लेकिन जो मंदिर जो था ऊपर के 4 मंदिर मुगलों ने तोड़ दिए, अभी भी बहुत बड़ा मंदिर 3 मंदिर पीछे है, लेकिन इतना भव्य जो है एज इट इज इस मंदिर की तरह मिलता जुलता कि उसकी प्रतिकृति बनाई है। इसके बाद आप जाएंगे मदन मोहन, मदन मोहन की स्टोरी यहीं पे बताता हूँ, वहां पे दर्शन करके फिर आप सीधा प्रसाद के लिए निकल जाएंगे। तो ये वृंदावन की जो लीला स्थल की जो स्थापना गोस्वामी को करने को बोली थी, इसके पहले किसने की थी कुछ पता है, 5000 साल पहले वज्रनाभ नाम सुना होगा, कौन थे वो, श्री कृष्ण के पौत्र, पौत्र थे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी, इनके पुत्र कौन थे, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न की शादी किससे होगी, 12 साल की बेटी उषा उनके साथ हो गई, उनका बेटा था अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की पत्नी कौन थी, निशा, और उनके पुत्र थे वज्रनाभ। जब महाभारत का युद्ध होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका से कहा गए थे हस्तिनापुर गए थे, तो वहां पे गांधारी ने जब कृष्ण को दिखा भगवान श्री कृष्ण को, तो उन्होंने श्राप दिया कि मेरा जैसा कौरव वंश है उनका जो नाश हो गया वैसे ही आपके यदुकुल का नाश होगा, तो एक्चुअली भगवान की जो नारायणी शरण थी उसको कोई मार नहीं सकता था, और भगवान सोच रहे थे कि अभी सब लीला समाप्त तो हो गई है, अभी गोलोक धाम जाने की समय जो है वो आ गया है,
यादव है उनको कोई मार नहीं सकते, इनको मैं कुछ तो करना है, हमें लेके जाना है। तो भगवान उनका श्राप जो है ग्रहण करते हैं, ठीक है आपने बोला है तो नहीं रहेगा। तो जितने भी यादव थे वो क्या हो गए, मारे गए, उनका एक अलग लीला है। फिर वज्रनाभ कैसे बच गया, क्योंकि गांधारी ने तो श्राप दिया था सब यदुकुल नाश होने वाला है, तो वज्रनाभ कैसे रह गया? उसका प्रागट्य ही अलग रूप से हुआ था ना कुछ नहीं। जब महाभारत युद्ध के पहले सब द्वारकावासी और वृंदावासी एक साथ आए थे कुरुक्षेत्र में, जो भीष्म कुंड है वहां पे सूर्य ग्रहण के दिन, तो एकत्रित आने के पहले ये निशा को पता हो गया था कि सब जाने वाले हैं, तो वहां पे राधा रानी भी आएगी, वृंदावासी आने वाले हैं मतलब। तो कृष्ण से कहते कि भगवान मुझे राधा रानी की सेवा करनी है, मुझे पता है वो आपकी सबसे बड़ी भक्त है, तो मुझे राधा रानी की सेवा करनी। तो भगवान उस तरह से अरेंजमेंट करते हैं और उनको राधा रानी की सेवा में लगाते हैं। तो राधा रानी की इस तरह सेवा करती है, राधा रानी को बहुत प्रसन्न हो जाती है उसके ऊपर, और तब उनको आशीर्वाद देती है। तब वो गर्भवती थी, तो राधा रानी बोलते है कि सब यदुकुल का नाश होगा तो भी आपका जो बेटा है वज्रनाभ उसका नाश नहीं होगा। गर्भ में ही उनको दीक्षा देती है, उनका नाम रखती है, इसका नाम रहेगा वज्रनाभ, ये वज्र के जैसा रहेगा। और जितने भी भगवान की लीला से दिया है उनकी स्थापना करेगा वृंदावन में। तो वज्रनाथ ने ये सब लीला स्थलियों की स्थापना की थी 5000 वर्ष पूर्व। जैसे वृंदावन जब प्रकट होता है भूतल के, जब भगवान द्वारका जाते हैं मतलब मथुरा जाते हैं, मथुरा के बाद द्वारका आते हैं, तो द्वारका निर्माण करते हैं उसी टाइम पे द्वारका के बाहर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, एक दूसरा प्रति वृंदावन बनाते हैं जहां पे गोपियों ने अपना शरीर छोड़ा था। तो वैसे वज्रनाथ ने जो लीला स्थलियां भगवान की स्थापित की थी, लेकिन 5000 साल बीतने के बाद आज से 500 साल पहले तब ये सब लुप्त हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। कहां पे राधा कुंड है, श्याम कुंड है, कहां पे कौन सा वन, वृंदावन एक्चुअली 12 वन है, काम्य वन, लोह वन, बदिर वन, कोकिल वन, भद्र वन, वृंदावन, ऐसे अलग अलग वन है। तो ये सब किसको पता भी नहीं था कि वृंदावन में इतने सारे वन है। तो ये सब गोस्वामी जो ने क्या करे ढूंढ के निकाले। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने के पहले अवतीर्ण हो गए थे अद्वैताचार्य, जिनको कहते हैं कि शिवजी और महाविष्णु एक ही शरीर में प्रकट हो गए थे। और जो वृंदावन में जाके एक बाकी बिहारी मंदिर सबको पता होगा, वृंदावन गए होंगे तो बाकी बिहारी और मदन मोहन इनके बीच में जो बीच में एक मंदिर रहता है अद्वैत वट करके बोलते हैं, वहां पे वो अद्वैताचार्य रहते थे। तो उनके स्वप्न में भगवान आए और बोले कि मैं इस जगह पे नीचे हूँ, तब उनका नाम था मदन गोपाल। तो उधर वो खुदाई करते वहां पे वो विग्रह प्राप्त होते हैं मदन गोपाल जी, और उनकी पूजा अर्चना करते। फिर जब वो वृंदावन से नवद्वीप जाने के लिए निकलते हैं तो क्या करते हैं, वो जो विग्रह थे किनको देते हैं, एक मथुरा के भक्त थे मथुरा में रहने वाले पुरुषोत्तम चौबे करके उनका नाम था, तो बोलते कि आप इनकी देखभाल कीजिए। और वो वात्सल्य रस में माता पिता के भाव में बच्चों की सेवा करते, वैसे बच्चों की करते वैसे भगवान की भी करते थे, उनके बच्चे को जैसे भगवान का लालन पालन करते थे। और भगवान उनके सेवा से इतने प्रसन्न थे तो उनके बच्चों के साथ भगवान के खेलने के लिए भी जाते थे, वो जैसा बोलते थे वैसा उनको सुनते भी थे। जब तो कुछ सालों के बाद उनके जो पति है पुरुषोत्तम जब वो निकल जाते, बच्चे निकल जाते, अभी बच्ची थी उनकी पत्नी, वो सब भगवान की सेवा आराधना करते रहते थे। तो एक दिन सनातन गोस्वामी देखते है वृंदावन में, जब वो मथुरा में वृंदावन में रहते थे वहां से मथुरा भिक्षा लेने के लिए जाते थे, तो भिक्षा में क्या लाते थे, गेहूं का आटा और उसका बाटी बना के भगवान को भोग लगा के खाते थे। तो एक दिन देखते भगवान को उनको बच्चों के साथ खेलते हुए, तो समझ जाते कि कोई तो विशेष बच्चा है, सर्वसाधारण नहीं है, कोई समझ जाते कि भगवान स्वयं उनके बच्चों के साथ रहते हैं। और देखते कि पुरुषोत्तम योगी की पत्नी थी फटकार दे दी थी भगवान को, माँ के भाव में थी ना, कभी खाने को टाइम पे नहीं आते थे तो बोलते लाला आप बहुत नटखट हो गए, टाइम पे नहीं आते है खाने के लिए, सब ऐसे बोलती रहती थी। तो और भगवान को आना जाता था, उनको माँ की तरह ही मानते थे, यशोदा मैया जैसे लाला को कभी उखल से बंधित करती थी। तो एक दिन उन्होंने देखा ऐसे झांप रही है भगवान को, तो बोलती कि माँ जी भगवान को ना इस तरह से नहीं व्यवहार करना चाहिए, भगवान के साथ अच्छे से होना चाहिए, पूजा अर्चना कैसी करनी चाहिए वो बताते। तो उस तरह से वो भगवान पूजा अर्चना प्रारंभ करते हैं। तो भगवान का जो रस था उनके प्रति माँ और पुत्र का वो निकल जाता है, अभी वो पुजारी का और उनका रस हो गया। तो भगवान बोलते काम करो मुझे उनके दे दो, अभी मैं उधर जाना चाहता हूँ। तो उनके भी स्वप्न बोलते आप मुझे लेके आओ। तो दूसरे दिन चले जाते हैं,
अकेले रह गए हो और मेरे जाने के बाद कैसा होगा। तब रुद्रपुर स्वामी वहां से बोलते, मैं हूं ना, मैं संभालूंगा उनको, अब दे दो। तेरे नहीं बाबा, ये जब मेरे जीवन में आया, मेरा सब कुछ चला गया, धन संपत्ति सब चला गया है, तेरे जीवन में आएंगे तो तेरा भी चला जाएगा। रुद्रपुर स्वामी बोलते, अभी तो मैं सिर्फ लंगोटी पे हूं, इसके आगे क्या जाने का बाकी है, मेरा भी कुछ नहीं है। तो बोलते ठीक है। फिर भगवान उनके साथ हाथ में हाथ पकड़ के मथुरा से वृंदावन चल के आते हैं 12 किलोमीटर। और सब बातें करते रहते हैं, बोलते कि लाला जो भी मैं भिक्षा में मांगूंगा वही आपको मिलेगा, मेरे पास तो कुछ राजवाड़ा है नहीं, आपको महल में रखूं कैसे, मैं एक तो रोज एक पेड़ बदल के रहता हूँ वृंदावन में, एक अलग अलग पेड़ के नीचे। तो वो कहा रहते थे, बाद में जब भगवान को लेकर गए तो द्वादश आदित्य टीला करके एक जगह है, वहां पे वो रहने लगते हैं और एक पेड़ के नीचे भगवान को रखते हैं। तो भगवान देते रोज भिक्षा में, हफ्ते में एक बार जाता है मथुरा, आटा लेके आता है और वही मुझे बाटी बना के भोग लगाते हैं। तो भगवान बोलते कम से कम उसमें थोड़ा नमक डाला करो, बिना नमक का ही खिला रहे हो आप। तो बोलते कि हम नमक किससे मांगेंगे, मैं तो साधु गरीब आदमी हूँ और मैं मांगूंगा कि नमक चाहिए तो लोग क्या बोलेंगे, साधु को अच्छा अच्छा खाने के लिए चाहिए, मैं ये सब कहाँ से लाऊंगा। भगवान बोलते ठीक है, अभी मेरी नमक की व्यवस्था मुझे ही करनी पड़ेगी। तो यमुना की जो है और इनका ये नाटक है, आप उनको ही प्रार्थना करो। तो प्रार्थना करती है, भगवान जो भी मुझे नफा होगा उससे मैं आपका एक मंदिर बनाऊंगा। तो हमने दूसरा मंदिर का स्टार्टिंग में जो बाहर है कंपाउंड के बाहर दर्शन दिया, राधा मदन मोहन पैराजिटिक मंदिर यहाँ पे बना है, तो उन्होंने वैसा मंदिर बनाया जाए 75 फीट का भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जो उनका जो नमक था, जब आगरा में चले गए, नमक का परिवर्तन किसमें हो गया, कपूर में हो गया, और उसके बाद वो मंदिर बना देते हैं। और द्वादश आदित्य टीला इसलिए है कि द्वादश मतलब दश मतलब दश और द्वा मतलब 12, दो तो 12 आदित्य, टीला मतलब पहाड़। जब भगवान ने कालिया मर्दन लीला की थी, कालिया को जब वहां पे मर्दन करने के बाद भगवान एक दूसरी लीला करती कि मुझे ठंड लग रही है, तो इस पहाड़ पे आके बैठते हैं, फिर 12 आदित्य जो है आके उनको गर्मी देते हैं। तो भगवान को जो पसंद नहीं,